दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार यानी कि 9 अगस्त को 17 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दे दी है। सिसोदिया की रिहाई से आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। सिसोदिया के घर पर आतिशबाजियां भी की गई। आम आदमी पार्टी इसे सच की जीत बता रही है। इस बीच तिहाड़ से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के माता पिता का आशीर्वाद भी लिया। इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो केजरीवाल के माता पिता के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल और मां उन्हें देखकर थोड़ा भावुक भी हो जाती हैं। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। उन्होंने आगे कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, मेरा रोम रोम बाबा साहेब का ऋणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाबा साहेब का ये ऋण कैसे चुकाऊंगा। तिहाड़ से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। इन तस्वीरों में सभी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही इस मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मनीष सिसोदिया ने सीएम आवास पहुंचकर अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने केजरीवाल के माता पिता से आशीर्वाद लिया और उनके बच्चों को गले भी लगाया। उन्होंने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की तो वहीं सुनीता मनीष सिसोदिया को देखकर थोड़ी भावुक होती हुई भी नजर आई। आम आदमी पार्टी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है, तानाशाही शक्तियों को संविधान की ताकत से परास्त करके जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया जी ने अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी और माता पिता से मुलाकात की। तानाशाह ने आपके परिवार को तोड़ने की लाख कोशिश की, लेकिन ये परिवार टूटने वाला नहीं है। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से बाहर आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आभार भी व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि पिछले 17 महीने से दिल्ली और देश का एक एक बच्चा भावनात्मक रूप से मेरे साथ ही था। मैं हर पल बच्चों के बारे में ही सोचता रहा। मैं आपके प्यार, ईश्वर के आशीर्वाद और सत्य की शक्ति के कारण जेल से बाहर आया हूँ। आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करके तानाशाह के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।